बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम फिज़िक्स में यूनिट 6 कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। वर्क का मतलब होता है उर्दू में काम, और एनर्जी तवानाई को कहते हैं। तो हम फिज़िक्स में वर्क और एनर्जी सीखने के साथ एक और काम भी करेंगे। आप देखें अपने इर्द गिर्द, आपके स्कूल में गंदगी तो नहीं है? और अगर हम देखें तो अक्सर लोग राह चलते हुए गाड़ियों में से जो कूड़ा क्रिकेट है वो सड़क पे बड़े आराम से फेंक रहे होते हैं। अगर हम अपनी गलियों को देखें तो वहाँ पे भी कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। तो हालांकि हमें पता है कि अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में फरमाते हैं, मैं वो लोग जो साफ़ रहते हैं, पाकीज़ा हैं, उनसे मोहब्बत करता हूँ। और ये भी हमें हदीस पता है कि सफाई ने सुलेमान है, तो फिर हम क्यों सफाई नहीं रखते? क्योंकि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। किस लिए दिल सख्त हो चुके हैं? कि हम इल्म हासिल करते हैं, उस पर अमल नहीं करते, इस उम्मीद पे गुनाह करते हैं कि अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, गिला करते रहते हैं मुकद्दर का, मैयत को दफन करते हैं और अपनी मौत भूल जाते हैं। तो इस्लाम जो है हमें तीन तरह की सफाई रखने का हुक्म देता है, रूह की सफाई, जिस्म की सफाई और माहौल की सफाई। रूह की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ें, नमाज पढ़ें, जिसमें वजू से हमारी जिस्मानी सफाई भी हो जाती है, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। तो प्यारे बच्चों, आज से आपने एक काम करना है कि अपने आप को इन तीनों तरह की सफाई के लिए एक काम करना है। सारी सफाई करनी है, अपनी रूह की भी सफाई के लिए कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ना है, नमाज की बाकायदगी करनी है, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ करना है। तो अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। इन फिज़िक्स वर्क इज सेड टू बी डन, फिजिक्स में काम करना उस वक्त कहते हैं व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई कुव्वत किसी जिस्म पर अमल पजीर होती है, एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जिस सिमत में वो फोर्स काम कर रही होती है, बॉडी भी उसी सिमत में हरकत करती है। क्वेश्चन अराइजेस हाउ मच वर्क इज डन, सवाल पैदा होता है कि फोर्स अप्लाई करने से कितना काम किया गया। तो फिज़िक्स में तो काम की ये डेफिनेशन है, अब आगे देखते हैं। मैथमेटिकली वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हिसाब के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से जो काम है वो प्रोडक्ट है, हासिल जमा है कुव्वत एफ का, और उसने जो फासला तय किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस फोर्स की सिमत में। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मूव्ड, और इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट फॉर वर्क इज जूल, जो कैपिटल जे से लिखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ुकात क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन, कि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसकी नतीजे में जो जगह की तब्दीली हो रही है बाय ऑब्जेक्ट, वो एक सिमत में नहीं है। जैसे वो एंगल बना रही होती है, हेयर फोर्स एफ इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट। आप देखें कि जो फोर्स का वेक्टर है वो टेढ़ा है, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो ब्लॉक फासला तय करेगा उसके साथ एक एंगल बन रहा है जिसको थीटा कहते हैं। तो इस सूरत में जबकि एंगल बन रहा हो तो हम वर्क इज इक्वल टू एफ डी, एफ इज़ फोर्स, डी इज़ डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा जितना भी एंगल हो उसकी हम वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो बाय डेफिनेशन वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसकी एग्जांपल इस बात से समझते हैं, अ क्रेट इज़ मूव बाय पुलिंग द रोप अटैच टू इट, एक बंदा एक क्रेट खींच रहा है, उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है, इट मूव्स 10 मीटर ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, वो तकरीबन 10 मीटर का फासला स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे तय करता है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, हाउ मच वर्क विल बी डन। तो हम वर्क को एफ और डी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 100 जूल आंसर आ जाएगा। अब वही सिनारियो है, वही जो है पिक्चर है, लेकिन अब जो है उसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है,
तो हम cos थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे f इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा 20, जो कि हम 0.866 है, तो इसको जवाब आ गया 866 जूल। जूल क्या है? इफ़ यू पुश अ बॉक्स विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर यू हैव डन एग्जैक्टली 1 जूल ऑफ वर्क। अगर आप 1 न्यूटन कुव्वत के साथ किसी बॉक्स को धक्का देते हैं और वो 1 मीटर का फासला तय करता है तो आपने 1 जूल काम किया। अब हमने देखा कि जूल इज स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, इट्स बिगर यूनिट्स आर 1 किलो जूल जिसमें 1000 जूल होंगे 10^3 जूल या 1 मेगा जूल जिसमें 1000 जूल 100^6 जूल होंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं प्रॉब्लम। अ गर्ल कैरीज अ बैग ऑफ 10 kg अपस्टेयर्स टू अ हाइट ऑफ 18 स्टेप्स। एक लड़की 10 किलो का बैग उठा के सीढ़ियाँ चढ़ रही है और उसने 18 स्टेप्स चढ़े हैं और ईच की हाइट है 20 सेंटीमीटर। आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ द वर्क शी हैज़ डन टू कैरी द बैग। टेक जी इज़ इक्वल टू 10 m². उसमें आप देखें कि हमारे पास वेट इज़ इक्वल टू mg, तो वेट इज़ इक्वल टू फोर्स, तो 10^10 हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स के आगे, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 18 × 20 = 360 cm, इनको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 3.6 m। हम फोर्स वर्क फाइंड आउट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस चैनल।